पाया जा रहा है। यही कांग्रेस की शुरू से खूबी रही कि बांटने का काम करना जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, और जब जब मौका मिला हर बार उनको अवसर मिला। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है, सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्लेकार्ड लेके तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है क्या वो स्वीकार है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सर वो कह रहे हैं कि क्या मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुझे बोलने का मौका इसलिए नहीं मिलता कि मैं दलित हूँ। उनको एक बार नहीं अनेक बार अवसर मिले, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो चर्चा करना भी चाहते हैं, चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो चर्चा से भाग रहे हैं, देश देख रहा है कि रोज हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और अपनी चुनाव की पराजय से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ये नहीं देखना चाहते और ना ही उससे सीखना चाहते हैं कि उनकी पराजय हो चुकी है, चुनावों में उनकी करारी हार हुई। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है, हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये ना केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया वो देश ने देखा, कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है, और सबसे बड़ी बात यह है ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफ़ी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का अपमान करना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना। और जो रोज जाट समुदाय में देखा जा रहा है, जिस तरह के देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में लोग निकल कर बाहर आए, वहीं पर NDA के सांसदों ने राज्यसभा में खड़े होकर उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में एक संदेश दिया है विपक्ष को कि ये देश संवैधानिक पदों का सम्मान करता है, हम NDA के सांसद संवैधानिक पदों का सम्मान करते हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, लोकसभा स्पीकर ने उपराष्ट्रपति जी से बात करके इस कुकृत्य पर इसकी निंदा भी की, खेद भी प्रकट किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए, उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये एम्पलीफाई कैसे होता, ये कैसे देश के सामने आता, देश इसका नोटिस कैसे लेता। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्तर राजनीति का हो गया है। वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो ऐसे एक्ट करके, यानी कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जब उनको आलोचना करनी चाहिए थी इस एक्ट की, राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे थे। ये दिखाता है कि क्या विपक्ष, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या विपक्ष
मानसिक संतुलन खो चुका है? क्या चुनाव की प्राजे से हताश और निराश विपक्ष अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन भी खो गया है? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, और देश को तो देखकर हम सब लोगों को लगा कि आखिर इमोजी आजकल बहुत पॉपुलर है तो क्या लगता है, तो ऐसे देखने को लगता है। मैं एक सवाल यहाँ पर जरूर पूछना चाहूँगा कि देश से जुड़े हुए विषयों को सदन में क्यों नहीं उठाने दिया जा रहा, संसद में भाग क्यों नहीं ले रहे, और जाट समुदाय का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संविधान का अपमान, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो उन्होंने किया ही था, अब संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान भी करने में विपक्ष कहीं पीछे नहीं हट रहा, और उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकंज नहीं है, थोड़ा सा भी उनको ये नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जो 60 साल सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल, वो परिवार, उस पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति अगर इस कुकृत्य को अंजाम देता है तो आप सोचिए विपक्ष हाशिए पर है, केवल हताश और निराश ही नहीं।